बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ दारे अरकम स्कूल आई वेलकम यू ऑल इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। हमारे पास वैल्यू दी हुई होगी और उसमें हमारे पास एक डिजिट रिंग है, उसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम उसके ऊपर पहले जो उनसे है प्लेस वैल्यू टेबल अरेंज करेंगे। तो यूनिट टेंस 3 के ऊपर यूनिट आ जाएगा, 2 के ऊपर 10, 6 के ऊपर 100, 9000 में आ जाएगा और रिंग वैल्यू हमारे पास है 7, जो कि हमारे पास 10000 आ जाएगी। सो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 79000। देन बी पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास नंबर दिया हुआ है और रिंग डिजिट है 9। हमारे पास इसमें यूनिट टेंस 100000 10000 100000 मिलियन एंड 10 मिलियन। 10 मिलियन में बेटे हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दो डिजिट्स को मिला कर पढ़ते हैं, तो ये जब हम इनको पढ़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा और ये इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 90 मिलियन। सी पार्ट है हमारे पास यूनिट टेंस 100000 10000 100000, तो रिंग डिजिट की हमारे पास जो प्लेस वैल्यू आया है ये वो 500000 आ रही है। डी पार्ट है, उसमें हमारे पास है रिंग डिजिट है 8 और उसमें हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, यूनिट टेंस 100000 10000 100000 मिलियन। तो हमारे पास रिंग डिजिट 8 था और उसकी हमारे पास प्लेस वैल्यू बन रही है 8 मिलियन। नाउ पार्ट ई है, इसमें हमारे पास इस तरह हम इसको लास्ट डिजिट जो हमारे पास रिंग हुआ हुआ है और उसकी हमारे पास क्या प्लेस वैल्यू बनेगी, यूनिट टेंस 100000 10000 100000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। तो ये 1 है रिंग, हमारे रिंग में हमारे पास 1 है, तो 1 की प्लेस वैल्यू है 1 बिलियन। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें हमारे पास यूनिट टेंस 100000 10000 100000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और रिंग डिजिट में हमारे पास 5 है, तो इसकी हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है 500 मिलियन बन गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने इन नंबर्स को हमें दिए हुए 3-3 नंबर्स दिए हुए हर पार्ट में और उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उनसे अरेंज करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है कि हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना होता है। हमारे पास फर्स्ट नंबर, हम इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ए में हमारे पास दिया हुआ है 7496032488। देन हमारे पास सेकंड नंबर है 7496309028 एंड थर्ड नंबर हमारे पास गिवन है 7496138829। इस तरह हम इनको कंपेयर करेंगे तो 749 749 749 तो हमारे पास तीनों में। देन हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 6 6 और 6 है, फिर हमारे पास 0 है फर्स्ट में, सेकंड में हमारे पास 3 है और नेक्स्ट में हमारे पास 1 है। मींस के हमारे पास ये 3 इज़ द ग्रेटर नंबर, सब नंबर 1 पे हमारे पास ये आ जाएगा और फिर उसके बाद 1 है ये और फिर ये आ जाएगा। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह अरेंज करके लिखेंगे। नाउ इसी तरह जो उनसे इसके बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं आप उसको भी ऐसे ही करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस एक्सरसाइज 12, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्रीडिसेसर हमारे पास जो उनसे होता है बैकवर्ड नंबर होता है। नंबर हमारे पास है 999 999 000, इसका बैकवर्ड नंबर हमारे पास इस तरह भी आ सकता है कि हम इसमें से 1 को लेस कर दें या माइनस कर दें। इसमें से हम 1, इसका जो 000 है, 0 का जो उनसा हमारे पास प्रीडिसेसर जो उनसा होता है वो उसमें ये होता है कि हम उसका बैकवर्ड नंबर लिखें, वो 9 आएगा। तो इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नंबर बिकम 9999 998 999 आ जाएगा। बीस का पार्ट है 1456789001, तो 1 का जो उनसा बैकवर्ड नंबर होता है वो 0 होता है, 1 से पहले हमारे पास 0 आता है, तो ये हमारे पास नंबर बिकम हो जाएगा 1456789000। देन सी पार्ट है हमारे पास, इसमें नंबर हमारे पास है 4000300100। अब हमारे पास लास्ट में देखिए 100 बन रहा है, तो 100 से पिछला नंबर जो सा है वो 99 होता है, तो 99 को हम 099 से, क्योंकि 3 डिजिट्स को हम रिप्लेस करें तो 099 से रिप्लेस कर देंगे और नंबर हमारे पास बन जाएगा 4000300099। लास्ट इसका पार्ट है, उसमें हमारे पास पार्ट डी, उसमें हमारे पास नंबर है 2488909 909 है, 909 से बैकवर्ड नंबर जो उनसा है वो 908 आ जाएगा, नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा 2488908। अल्लाह हाफिज़।